السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سنو سارے نو انسان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے پھر مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا
अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने इमाम आजम कैद आजम खतीब आजम मुर्शिद आजम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। प्यारे भाइयों, आज रमजान उल मुबारक दा अलविदाई जुमा, यानी रमजान उल मुबारक दा आखिरी जुमा, कोई वो भी जुमा हा जड़ा पहला जुमा सी। जिवें रमजान ना आन दा पता लगे तो ना जान दा पता लगे, इस तरह एक वक्त आएगा जदों थानू मैनू मौत आ जाएगी तो पता फिर भी नहीं लगना कि साड़ी जिंदगी कितनी यकदम ही खत्म हो गई है। जेड़ा दिन चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा, जेड़ा साह एक बारी बाहर चला गया वापस नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, जेड़ा महीना चला गया वापस नहीं आएगा। 2012 दा अल्लाह दा मेहमान रमजान आया, इन्हें दोबारा नहीं आना। और प्यारे भाइयों, जिंदे हक दे अंदर रमजान दा महीना अल्लाह दा मेहमान क़यामत वाले दिन बोल गया, वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। और जिंदे खिलाफ बोल गया, वो कभी जन्नत से नहीं जाएगा। स्पीकर डाउन हो गया। साडे माशाल्लाह वाबियां दे स्पीकरां नूं किसे बुजुर्ग दी बद्दुआ है, ये कभी नहीं चले साडे। पिछले जुमे की मैंने शिकायत है भाई साहब, अब बार किसी ने समझ नहीं आई, ये तो कोई तरीका नहीं। 8 दिन पूरे बाद मैं आना हूं, 8 दिन तो बाद मैं आना हूं, 8 दिन तक तुसी स्पीकर भी दुरुस्त नहीं कर सकते। और पिछली बारी आए सेम दे अंदर शिकायत आई कि कई समझ नहीं आई, असी लाल से जवाहर चुन के मोती आने भाइयों समझ नहीं आती। रमजान का जुमा होवे, इतनी तादाद लोगों की होवे तो कोई स्पीकर का तो बंदोबस्त चाहिए ना, किता च करो। जे तो स्पीकर नहीं बनते तो साउंड ले आके रखा च करो साउंड। प्यारे भाइयों, जितने मैं जुमे पढ़ाए रमजान दे, अल्लाह दे फजलो करम नाल और सारे दे सारे कड़वे और खुशक मौजूआन। मेरे दिल ने चाया कि आज जांदा जांदा जुमा मैं जरा खंड तो ज्यादा मिठा पड़ा दिया। अल्लाह, आज मेरा मौजू है जन्नत के नजारे। जन्नत क्या है? बल्ले बल्ले, कोड़ो बात नहीं होएगी। वैसे तो मैं साथियों कह रहा सी कि यार आज कभी 10 मिनट का जुमा होवे ना, क्योंकि मैनू हुणे हुणे ही रोजा लग रहा है। लंबा तवील सबर करके रात प्रोग्राम किया है और फिर सफर की हालत हो गए, फिर प्रोग्राम मुके रात 2-2.5 बजे, फिर नींद भी पूरी ना हो, आखिर इंसान है, थकावट भी है, नींद भी है, और ज्यादा तो ज्यादा जिसम के अंदर कमजोरी भी है और प्यास भी। लेकिन इंशाल्लाह ताला थोड़े भाइयों की दुआ है जमा तो होएगा, और भावे कमजोरी है, भावे रोजा लग रहा है या नहीं लग रहा, भावे तबीयत सही है या नहीं सही, हर बंदा अपनी आदत के मुताबिक चलता है। मेरी आदत है कुरान पढ़ना, इंशाल्लाह आज भी कुरान पढ़ागा। अल्लाह हू अकबर। प्यारे भाइयों,
जन्नत बड़ी आला नेमत है और जनता दे विचो जन्नत फिरदौस सारिया जन्नत दिया सरदार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जदो सवाल करो तो फिरदौस के बारे सवाल किया करो। भाइयो जहन्नम तो बचण का एक गुर दसना और जन्नत दाखले का भी एक गुर दसना जरा तवज्जो रखी। हदीस आंदा जेड़ा बंदा सुबह शाम भाई क्यों खड़े हो बेटियां का की फायदा स्पीकर कर सा पिछली बार भी स्पीकर कोई नहीं सही स्पीकर नहीं बनते तो सानू जवाब दो। इतने लोग आते हैं दूर दराज तो एक बंदे ने मैंने टेलीफोन किया मैं गुजरात तो आ रहा जो उन्हें समझ नहीं आनी तो उनका गुजरात से आने का फायदा किया। इस वास्ते इंदा वास्ते साउंड लाया करो प्यारे भाइयों। जेड़ा बंदा सुबह शाम तीन तीन वारी अल्लाह पाक ले मुतवज्जे होके ए जुमला बोलता है अल्लाह सुन लो उठी बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा अल्लाह तेरी जन्नत बड़ी वसी है मैनू अल्लाह चाहिए है और मैं तेरी जात भरोसा करना तू मैनू जरूर देनी है जन्नत। इंज नहीं कहना पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी अल्लाह तो फिर मैं नहीं जान चंबड़ जाओ रब की रहमत नो चंबड़ जाओ। तीन वारी सुबह तीन वारी शाम तीन तीन वारी रोजाना जन्नत का मुतालबा शुरू कर दो होएगा कि जन्नत डिमांड करेगी अल्लाह तेरे बंदे मेरे विच दाखिल होने वास्ते डिमांड कर रहे हैं अल्लाह इनू दाखिल कर ही दे अल्लाह दे जन्नत परेशान नहीं होना ए जदो आएगा तेरे अंदर दाखिल होएगा। क्या बात है क्या बात है अल्लाह दे मैं अपनी जन्नत की डिमांड कभी मोड़ांगा नहीं। और मेरे दोस्तों मेरे भाइयों तीन वारी यह भी कहना अल्लाह मैं नाजिक बड़ा कमजोर बड़ा तेरी जहन्नम बड़ी सख्त है मैनू गरीब नू बचा लवी जहन्नम मुतालबा करेगी अल्लाह नू बचा ले अल्लाह कहेगा ए जहन्नम ए जदो मरेगा तेरे अंदर नहीं आएगा। अंदाजा करो यार ये भी नहीं असं कह सकते वैसे तो असिया ने अल्लाह जन्ना दे दे जन्ना लेकिन तवज्जो नाल तीन वारी सुबह शाम यह तमामन असी कभी नहीं किया। प्यारे भाईओ हुण मैं तेनों दसन लगा कि जन्नत वसी केड़ी है फरमाया जिस बंदे नू एक जन्नत च कमरा मिलिया एक कमरा पता केड़ा है अल्लाह दे सोने नबी ने फरमाया मेरे आका ने फरमाया ओ सारे नबिया दे सरबरा ने फरमाया अब्दुल्ला दे चन ने फरमाया आमना दे लाल ने फरमाया सितूना मिला
जिस बंदे नूं अल्लाह जन्नत दे दित्ती ते एक कमरा जन्नत दा उंदा अंदर दा हाल सोने दा कमरा होना है उंदा अंदर दा हाल 90 किलोमीटर गुड़ाई दे अंदर है। क्या बात, थोड़ा जिला कसूर या जिला उकाड़ा 90 किलोमीटर गुड़ाई दे अंदर नहीं है। चलो लाई लो 90 किलोमीटर ही होएगा। जेड़ा जिला उकाड़ा है, पूरा जिला उकाड़ा या जिला कसूर है, इनू माप लो जितना जिला कसूर है, एडा एक सोने दा कमरा होएगा जन्नती दा। प्यारे भाइयो जरा गौर करिया है, केडी वड्डी जन्नत होएगी ते एक कमरा नहीं मिलना। अल्लाह ने बड़ी वड्डी जन्नत दे देनी है। अल्लाहु अकबर। प्यारे भाइयो, एक बंदे दा कद 90 फुट होएगा और 7 गज बंदे दा सीना चौड़ा होएगा। अल्लाहु अकबर। बहुत ज्यादा ताकतां दा मालिक होएगा जन्नती बंदा। और उंदा जड़ा हुसन है, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जितना हुसन होएगा। मिस्र दियां औरतां ने जदों यूसुफ अलैहि सलाम नूं तकिया ते उन्हां उंगलियां कट लईयां। इतना हुसैन हजरत यूसुफ नबी है ते जितना सोना नबी मूसा यूसुफ अलैहि सलाम है, इतना सोना हर जन्नती होएगा। फिर जितने भी जन्नती होणगे उन्हां दे चेहरियां ते दाढ़ी नहीं होनी। अज तां तुहाडे मतलब दी गल कीती जांदा, ओ दाढ़ी मुनाण वाले हुण तां निराश ना होवे। तुसी आखना मुड़ा वे सानू सारी उम्र दाढ़ी दे बारे कही रखे आई कारी आसी जन्नतियां दी दाढ़ी नहीं है। ओ दाढ़ी इस वास्ते नहीं होनी, 33 साल उम्र होनी है और जन्नत दे अंदर सेहत इतनी होनी है। अजे ए फुल जवानी चढ़िया ही नहीं तो फिर दाढ़ी होएगी किवें? ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयो, बुढ़िया नूं जन्नत नहीं लभनी ते बच्चिया नूं जन्नत नहीं लभनी। एक अम्मा रोवन लग गई अल्लाह दे नबी ने कदी कदी निक्का निक्का मजाक भी करदे आण, पर मजाक दे अंदर ना तुहीन हुंदी आई। जिहड़ा नबी दा मजाक है, साड़िया मजाकों के अंदर ते बंदे दी तुहीन भी है, साड़िया मजाकों के अंदर ते झूठ भी है। असि झूठ भी बोल लैने आए ते एंड ते आने यार मैं मजाक कर रहा सी, पर इंज नहीं नबी पाक दे मजाक सन। नबी पाक मजाक भी करदे आण, झूठ भी नहीं है ते हकारत भी अगले दी नहीं है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अम्मा जान जन्नत जन्नत गई फिरनी है, बुढ़िया नूं तो मिलनी नहीं। अम्मा तो रोवे लग गई, कहिंदी है मर गए उजड़ गए, जे जन्नत मिलनी नहीं फिर सारी उम्र नेक अमल करदे रह गए ते उंदा क्या बनेगा। प्यारे नबी ने फरमाया अम्मा रोंदी क्यों पई है? फरमाया गल भी अजीब हुई है, ते रोवां किवें ना, मेरी ते जन्नत उजड़ गई है, इस तो वड्डा मैनूं घाटा की है, ते होर रोवण दी जगह केड़ी है? प्यारे सोने नबी जी, फिर सानू मिलनी नहीं है ते की बनेगा? फरमाया हां हां अम्मा मिलनी है पर जवान करके अल्लाह दे देनी है। फिर मेरे भाइयो, जन्नत दे अंदर खांदे रवोगे पींदे रवोगे, एक एक बंदा एक एक टाइम त्राए त्राए देगा खा जाएगा, गोशत दियां त्राए त्राए देगा खा जाएगा और त्राए त्राए टप पानी पी जाएगा। ओ मेरे दोस्तों, एक बंदा मैनू मिलया, आखण लगा इतना खा के तुसी आदे हो जन्नत दे अंदर पेशाब कोई नहीं, जन्नत जन्नत दे अंदर बोल बराद कोई नहीं, ते फिर की बनेगा इतना खाण वाला? फिर उंदा खाना किथे जाएगा? ओ मैं आ गया परेशान क्यों है? अल्लाह पाक ने बोल बराद खत्म कर छड़े है। ओ आंदा किवें खत्म हो सकदा है? ऐसे दो रोटियां खा लेने,
थोड़ी देर बाद कदाए हाजत हो जाती है, इतना कोई खावन तो बाद कदाए हाजत नहीं होएगी, तो फिर बनेगा कि मैं आखिया तू अपने जात भी कदी गौर कर लिया कर, एक जमाना तेरे से आया है कि तू खांदा भी रहे हो तो पींदा भी रहे हो, पेशाब कोई नहीं करता रहा है, जे रब इथे निजाम चला सकता है। वादा नहीं नहीं ऐ तो मेरे तो दौर आया ही नहीं। मैं कहा जिस वेले तू मां दे पेट चा है 9 महीने तू खादा नहीं, तेनो रोजी मिली नहीं है, ते 9 महीने आज तक तू कजाए हाजत भी कीती नहीं है, ओ केड़ी बाथरूम है जिथे तू पेशाब करता रहा है। आदा बिल्कुल अज समझ आ गई है। मैं कहा जेड़ा रब अपनी कुदरत नाल तेरे पेशाब पखाने मां दे पेट दी 9 महीने जिंदगी दे अंदर खत्म कर सकता है, ओ रब जन्नत दे विच भी पेशाब पखाना खत्म कर सकता है। अल्लाह आ रही है समझ के नहीं, ना ठग होएगी ना है पता है सीत ना भी ना दिल नू परेशानी, तो ना मेरे भाईओ ब्लड लो है तो ना हाई है, ना खग गए ना ना थुक गए, कोई शह नहीं है, बस सुकून ही सुकून है, आराम ही आराम है, खान ही खान है, पीवन ही पीवन है, आराम ही आराम है, नींदर जन्नत कोई नहीं, हाय हाय बंदा द नींदर कोई नहीं, तो फिर जन्नत की चस की है, इस वास्ते नींदर नहीं है, अल्लाह आंदा है तैनू लम्मा चौड़ा सवा के नहीं आया, जदों बंदा नेक जनती बंदा जिन्हों रब जन्नत देनी है कबर दे विचों जदों उठी वेगा वह आखेगा अल्लाह मैनू कच्ची नींदरी उठा ले, अल्लाह दा जरा पैंदा वफातनामा चेक करो, जदों दा वफातनामा चेक किया जाएगा कई सदियां गुजरिया हुई होनगियां, वह आखदा मैनू कच्ची नींदरी उठा ले, अल्लाह सारिया नींदरा तेरिया उत्थे कबर ती पूरिया कर देगा, जन्नत दे अंदर नींदर कोई नहीं। अल्लाह दा मैं इस वास्ते नींदर नहीं रखी कि दो गल्लड़, एक तो नींदर मौत की बहन है, उत्थे बहन भी मौत की कोई नहीं, मौत भी कोई नहीं, जनतियां ते जहन्नमियां दे दरमियान दे अंदर अल्लाह एक दुंबे की शक्ल दे अंदर एक जानवर भी खाएगा, अल्लाह कहेगा वो जन्मियो ते जनतियो एक ही है, फरमाया इलम नहीं है, फरमाया सोने मैं जो दस दिना इलम की है, फरमाया इयो ही है जिन्ना दे घर च दाखिल हो जाती आई वसदे घर वेरान कर देंदी आई, जिन्ना घर के अंदर मौत दाखिल हो जाती आई वह घर वेरान हो जाते आन, कब्रस्तानों आबाद करने वाली शहरों बर्बाद करने वाली वस्ते घर वेरान करने वाली बच्चे यतीम करने वाली। अल्लाह अकबर हाजी महमूद साहब और हाजी दाऊद साहब कदी कदी डिमांड करते आन, मैनू आदर कदी वह शेर पढ़िया चकर आए सुन लो मेरे भाईओ, बंदे की जिंदगी का की पता है, रे रुख जिंदगी का माण का द आरी मौत वाली ना छोड़ जांदी, रे रुख जिंदगी दा मान कदा आरी मौत वाली ना छोड़ जांदी, जदों फुल कुरमा के झड़ जांदे बुलबुल मुहब्बतां तोड़ जांदी, ओ यार यासीना मतलबी सब दुनिया बार पवे ते मुंह मरोड़ जांदी, कोई अज टुरिया कोई कल जावे, ओ कोई अज टुरिया कोई कल जावे, ए दुनिया आनी जानी है, ओ कल टुरदिया वेखे लोगानू अज वारी तेरी आनी है। मरण तो बाद अमल नेक होवे ना फिर उहदी कबर ही जन्नत है। प्यारे भाईओ जन्नत दे अंदर अल्लाह ने तां वास्ते नींदर नहीं रखी, मौत दी भैण नींदर उथे मौत भी नहीं है ते मौत दी भैण भी नहीं है, अल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह दा सारी उम्र दुख उठा के आने वाले बड़िया बड़िया परेशानियां लेके आने वाले ए जन्नत है,
हर वेले खाई रहो, जे तू सो गया चार घंटे उस वक्त फिर तेरी खावन को ब्रेक लग जाएगी। ते मैं जन्नत अंदर एक सेकेंड भी ऐसा नहीं रखिया कि तू आराम करे और खावन पीवन तो रुक जाए, हर वेले खांदा रहेगा, हर वेले पींदा रहेगा। अल्लाह कुरान की रोशनी नाल जन्नती दो नेमतां दा जिक्र करन लगा कुरान च। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। एक तो जन्नत के अंदर अल्लाह फल भी खाए, फल दे दे या बंदा वेखेगा ना ये फल ते आखेगा अल्लाह ल जन्नत चंगी है, ये माल्टे अंब अनार से मैं दुनिया से भी खांदा रहा, शकल तो अल्लाह उवा ही देनी है ना, क्योंकि तू फिर पहचानेगा कि मैं की खा रहा, शकल अंब की होगी तो जायका बहुत ही आला होएगा। और इस आयत के अंदर जन्नत दिया बीवियां का भी जिक्र है, जन्नत के अंदर बीवियां का जिक्र है। अल्लाह जन्नत बनाई है जिवें सोने के महल लैण, ते अल्लाह ने उन्हां महलां नूं यानी आबाद करने वास्ते औरतों में बनाईया सन औरतां। जन्नत दी हूर इतनी खूबसूरत है, एक बारी जमीन ते अल्लाह नूं आर्डर दे देवे झांक मार देवे, सत्ते जमीना ते सत्ते आसमान उन्दे झाकण नाल ही रोशन हो जाए, दुनिया च हनेरा ही मुक जाए। इतनी खूबसूरत जन्नत दी हूर है। सत्तर सूट उन्हों पहनाए जाएंगे, हदीस चमदा है सत्तर सूट, मोटे मोटे रेशमी सूट, मोटा रेशम दा, और फिर सत्तर सूट उन्दे विच्चों भी जन्नत दी हूर दी जेड़ी पिली है, पिली दे अंदर जेड़ी हड्डी है, हड्डी दे विच्चों उन्दा गुद्दा नजर आएगा। इतनी हुसीन थे अल्लाह, या बंदा वेखेगा ना कि जन्नत दी हूर है, मैं अंदा दूल्हा बन के आया। 40 साल तक वेंदा ही रह जाएगा, हैरान होंदा चला जाएगा कि ये मेरी बीवी है। मिलनिया किन्ना नु है जिन्ना ने सारी उम्र जना नहीं किया, अगर गुनाह हो गया तो फिर तौबा कर लो, अगर तू वादा करो कि या अल्लाह सारी उम्र मैं बुराई नहीं करांगा, इन्ना हूरा नाल तेरी रब शादी कर दे। सुनो कुरान, व बशीर लजीना आमनु वामिलु सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िकू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिया व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहरा व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह फरमाता है कि खुशखबरी है उन्हां लोगों वास्ते जेड़े ईमान ले आए, ईमान ले आवण तो बाद नेक अमाल करते रहे। नेक अमाल मालूम होंदा कि नेक अमाल ना होए तो फिर जन्नत मिलनी नहीं है। ताए तो मेरे सोने नबी ने फरमाया सी, ओ मेरी बेटी फातिमा, इंज ना समझी कि मैं नबी पाक की बेटी हाँ, ए मली सालिहा
चाली साल अमल नेक करके आएगी तो फिर मेरा तेरा मुलाकात हो सकती है। इसे भी रब ने फरमाया खुशखबरी उन्ना मोमना नू है जो नेक अमाल करते रहे। वो मेरे दोस्तों जितने नेक अमाल वो करने शुरू कर दो। अगे फरमाया अल्लाह दे मैं तेन फिर जन्नत दे दियागा जिस जन्नत के अंदर नहरा चल रही फरमाया तो फिर हर किस्म के रिजक दे फल देंगा। वो मेरे दोस्तों मेरे भाईओ जब फल फ्रूट बंदे के सामने आएगा बंदा आखेगा ये तो मैं पहले भी खा चुके हाँ दुनिया के अंदर अंब भी खा चुके अनार भी खा चुके सेब भी खा चुके अंगूर भी खा चुके उन्होंने मुशाबत के अंदर अल्लाह ने फल बना छे लेकिन होंगे उस वर्गे पर जैके पाकिस्तानी फला जैसे नहीं होंगे जैके बहुत ही अल्लाह होंगे। जब बंदा खाएगा तो फिर हैरान होएगा कि वाकई दुनिया के फल दिते जन्नत के फल का फर्क ही बड़ा है। फिर अल्लाह ने फरमाया जन्नत के अंदर मैं पकीजा औरतों नाल इनकी शादी कर दियागा पाक औरतों नाल। वो इनकी की वजह है पाक औरतों की मुराद है आज औरतें पाक नहीं हैं औरतें पाक हैं इनकी वजह की है और थानू मैनू पता होना चाहिए है। वो पाक का माना यह नहीं है कि अज दियात पलीत हैं तो पाक हैं वो गल जरा समझ लवे है। पाक का माना यह है शिरक तो पाक हो गया बिदअत तो पाक हो गया कुफर तो पाक हो गया ना फरमानी बंदे तो वो पाक हो गया। और मेरे दोस्तों उस औरतों उत्थे जेड़े अज के औरतों यानी कुछ ना कुछ दिनों के अंदर मसला बन जाता उसे कोई मसला नहीं होएगा हर किस्म दिया परेशानियां तो पाक हो गया। इस वास्ते अल्लाह कहता है मैं पाक बाद औरतों नाल तेरी शादी कर दियागा। अल्लाह मेरे दोस्तों मेरे भाईओ सोने के महल आने सामने बाग आने वे चनेरा चल रही होनगियां और जन्नत दियां होर पाक बाद होनगियां उसनो जमान बहुत ज्यादा होएगा फिर तेरे 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 सामने खुश हो के और तेरा अदब एहतराम भी कर दिया होनगियां उसनो जमील भी औरत होवे फिर उनके अंदर अदब एहतराम भी होवे भला कितना ज्यादा तेनों ज्यादा वो प्यारियां लगनगियां। अगली गल सुन लो फरमाया कि मैं सारी उम्र फिर तेन जन्नत च रखागा वह खालिद इस जन्नत चो तेनों कढ़िया नहीं जाएगा इस जन्नत चो तेनों खारिज नहीं किया जाएगा। अगली गल सुन लो होर कुरान का मकाम फरमाया अगले जंतिया उत्थे दो काम होंगे दो एक काम यह होगा कि जंतु आखेंगे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह एड्डी वड्डी इबादत है अल्लाह के नमाज भी इबादत है रोजा भी इबादत है हज भी इबादत है कुरान भी इबादत है उत्थे कोई इबादत अमर को नहीं करना पर सुबहान अल्लाह एड्डी वड्डी इबादत है कि उत्थे भी है ये दुनिया की भी इबादत है सुबहान अल्लाह ये जन्नती इबादत भी है सुबहान अल्लाह। हदीस के अंदर मैं पढ़िया जिन्ना एक बारी दुनिया के अंदर सुबहान अल्लाह पढ़िया सी ते फिर उन्होंने मौत आ गई उन्हें दोबारा ना पढ़ सके अल्लाह सुबहान अल्लाह नु तराजू के अंदर तोलेगा ते मुकाबले ते वट्टा रखेगा फरमाया किलो दा नहीं दो किलो दा नहीं वी किलो दा नहीं मण दा नहीं पंजी मण होवे ते टन बनदा है टन दा वट्टा भी नहीं फरमाया केड़ा वट्टा है फरमाया ओद पहाड़ अल्लाह रखेगा और जब तराजू होएगा तो सुबहान अल्लाह फिर भी बारा होएगा। इस वास्ते कसरत ना सुबहान अल्लाह पढ़िया करो मेरी हर तकरीर के अंदर सुबहान अल्लाह की वजात है मैं उम्मीद रखना अपने रब ते जिवें हजरत उमर उम्मीद रखते हैं मैनू उम्मीद है कि मैनू अल्लाह कहेगा वंज वंज आसन बलोच जन्नत मैं आखना अल्लाह मेरी नेकी दहाई कोई नहीं गुनेगार जहा बंदा सी मैनू नेकी क्यों जन्नत दाखिल करता पाया है ते अल्लाह कहना सारी उम्र मेरिया तारीफा करता भी रहे कनवादा भी रहे अल्लाह दिया तारीफा के नाल ही जन्नत मिलनी है। ओ मेरे दोस्तों मेरे भाईओ जन्नत के अंदर दो कम होंगे जड़े असी बोल के करांगे एक तो असी आखेंगे अस्सलामु अलैकुम और दूसरा आखेंगे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ही पढ़ दे वक्त
बंदा बंदे ने वेखेगा सुभान अल्लाह पड़ेगा, सोने की कोठी वेखेगा सुभान अल्लाह पड़ेगा, वो उड़न वाले घोड़े वेखेगा सुभान अल्लाह पड़ेगा, क्या वहां तो सुभान अल्लाह पड़ता फिरेगा। कुरान मजीद ने दसया है इल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहात यहदीम रब्बुहुम बीमानिहिम तजरीब मिन तहतिहिम अन्हार جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم جڑی دلیل دے رہا وہ دلیل پڑھ رہا سارے جلتی اپنے زبان وچ دعوے کرن گے बोलणगे की आखणगे दावाहुम फिया सुभानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फिया सलाम। आखरी गल जंतियां दी जन्नत की होएगी दावाहुम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर जनती आखेगा मैनू जन्नत क्यों मिली है, ये अल्लाह की तारीफ है, जिस रब ने जहाना दे रब ने मैनू गुनेगार नू जन्नत दे छड़ी है ते मैं अल्लाह दी तारीफा पे करना, अल्लाह दी तारीफा करेगा सुभान अल्लाह पढ़ेगा और सलाम अलैकुम कहिंदे फिरनगे। जन्नत दे अंदर ना गाल है, जन्नत दे अंदर ना लड़ाई है ना झगड़ा है, जन्नत के अंदर हसद कोई नहीं, बुगल कोई नहीं, किन्ना कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं। अल्लाह ने जन्नत के अंदर जनतियां दे बोल बनाई है, जब मिलेंगे सुभान अल्लाह ते जब मिलेंगे सलाम अलैकुम। बल्ले बल्ले कैसे प्यारे लफ्ज़ है। हदीस भी आंदा है एडे बारे दो अमल हैं अल्हम्दुलिल्लाह से सुबहान अल्लाह। फरमाया रब साई ने एक तराजू बनाया, तराजू के दो पल्ले बनाए, एक पल्ले के अंदर फरमाया एक पल्ला मशरक है तो दूसरा पल्ला मगरब है। फरमाया पूरा मशरक भर जाता नेकिया नाल जरा एक बारी कहता सुबहान अल्लाह, जरा फिर कह देता अल्हम्दुलिल्लाह, और मगरब भी भर जाता नेकिया नाल। एडे वड्डे दो अमल हैं, हालांकि गल कीतनी है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने का किन्ना कु वक्त चाहिए, कोई है परेशानी। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों आओ जरा जन्नत दा एक होर नजारा भी ले लो। जन्नत गेट चो दाखिल हो रहे हो गए, जन्नत के उत्ते फरिश्ता खड़ा होया है, बंदे सलाम अलैकुम कहेगा, फरिश्तिया का सलाम ये भी रब जलतिया के मुकद्दर करेगा। बंदे दाखिल हो गए जहन्नम के अंदर, उन्होंने फरिश्ता सलाम नहीं करेगा, जहन्नमी जन्नो जहन्नम जान गए। जहन्नम दे सात दरवाजे ते जन्नत दे आठ दरवाजे, जब गेट चो गुजर के जन्नम दे आगे च गिरन गए उत्थे ताना मारिया जाएगा। वो आखणगे ओ कमलो तुहाडे कोल नबी कोई नहीं आया, हां तुहाडे कोल कुरान नहीं आया, तुहाडे कोल आलम नहीं आए, थानू गुनाह दा तारफ कोई नहीं करवा दे रहे, सानू गुनाह तो नहीं उदान दे रहे, सानू नेक अमल की दावत नहीं देंदे रहे, देंदे रहे लेकिन जान बुझ के असी मनिया नहीं। तकरीबन दो अढ़ाई तीन साल तो मैनू भी हो रहा है,
मैं तुम हर जुमे दाड़िया मसला समझाना कि नहीं, कई पक्के जुमे वाले भी हैं तो उन्होंने अजे तक रखी कोई नहीं। इसका मतलब यह होया जो फरिश्ता बोलेगा सच बोलेगा वह आखेगा समझाने वाले आया, अखे आए आन फिर अमल क्यों नहीं, अखे जान के नहीं। अच्छा ठीक है फिर ले लो तोहफा आग का, ओ आसमाना ना टकरा रही हो गया नाता जहन्नम दिया, और एक बंदे का दंद ओद पहाड़ जेडा होएगा, बत्ती ओद पहाड़ जेडा बंदे का मुंह होएगा, और बंदे का केडा कद होएगा जेडा जन्म में दाखिल हो रहा है, और सेकेंड तो पहले उनकी हड्डियां पिघला के पानी बना दे। राज लव्या है ना अमल करया, इतने अल्लाह कह रहा है नेक बंदे आनू फरिश्ते खुश हो के आखिर वसी الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. گرو در گرو جدو جنت وچ آ رہے ہون گے تے سامنے دروازہ کھل جائے گا, दरवाजे के उत्ते फरिश्ता खड़ा होगा, खजाना पा यानी गेट कीपर निगरान सलाम अलैकुम तिबतुम फदखुलुहा खालिदीन। फरमायो खुश हो जाओ सानू बहुत उच्चा मकाम मिल गया और हमेशा हमेशा तुसी जन्नत अंदर रहोगे। ते फिर जन्नती की आखणगे अल्लाह तुहानू सब नू दे देवे जन्नत, जिन्ना मेरी कदी नहीं ना मन्नी वो भी जन्नत चले जावण, मेरा मैनू की मतलब है मसला है। जिन्ना दाड़ी नहीं ना रखी मैं दुआ करांगा आज जुमे या अल्लाह उन्ना नू भी जन्नत च परा दाखिल कर, अल्लाह जन्नत के अंदर निराजगी खत्म कर देगा। इन्ना दिल मुत्तकीना फिर जन्नत वउयुन उदखुलुहा बिसलामिन आमिनीन ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الله پیارے بھائیو متقی لوگانو اللہ جنت دے گا, فرمایا کی اور کی جنت ہوئے گی مگالی تے چشمے والی جنت, اللہ کہے گا امن نال تے سلامتی نال उदुकुल हुआ दाखिल हो जा। अल्लाह जनतिया बंदिया के दिलों के हसद नु कड लेगा, लुगत नु कड लेगा, कीना कड लेगा, जिंदे नाल अगले बंदे नु बंदा हकीर समझदा वो चीजा कटिया जानगिया, जिंदे नाल बंदा लड़ाइया करता है वह हर्षा निकाल ही जाएगी, जिथे भी कोई जलती बैठा होगा आखेगा मेरे तो वड्डा इज्जत वाला कोई नहीं। अल्लाह किसे दे बारे हसद की नहीं कोई, जन्नत के अंदर अल्लाह पाक ने कोई तकलीफ नहीं रखी। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन ना तो कोई तकलीफ है जन्नत में, वमा हुम फीहा बिमुखरजीन ना जन्नत जो बंदे निकालिया जाएगा ना निकालिया जाएगा,
ना किसे किस्म की कोई तकलीफ आएगी, ए जन्नत। अल्लाह इतने अल्लाह ने छोड़ी दी पाबंदी लाई है, जे तुसी पाबंदी अगर कबूल कर लो ना, शादी का मौका आंदा है, दूल्हा साहब सोने दी अंगूठी पांदा है, मैनू सौहरिया ने पाई है, मैं आना सौहरिया ने पाई है, तो तू ला चा सौहरे निराश हो गया, तो फिर तो कयामत अज ही आ जानी। उन्हें कहना ले चंगा जवाई है साड़ा, उसने हमारी कदर क्या की है, उसने हमारा फसल उतार दिया है, वो निराश हो जाएंगे। अच्छा निराश ये तो तेनों बर्दाश्त नहीं, तो जे कयामत वाले दिन अल्लाह पाक एक अंगूठी के बदले जन्नत सारी खो ले दखी बनेगा। फरमाया इतने सोना मर्दो हराम समझ लो तो ना इस्तेमाल करना, जब तुसे मर जाओगे कबरे चले जाओगे तो मैं अंगूठी नहीं देंगा, सोने ते मोतियां दे कंगन देंगा, बिल्ले बिल्ले रेशमी लिबास होएगा। हाजी साहब उठे थोड़ी तो बढ़नी बड़ी रेशमी लिबास हाथे सोने दे कंगन, जड़े रोजाना बीमार हो जाते हो बीमारी मुख दे रब सब नहीं कोई परेशानी आज मैं एक महीनों स्पीक जिन्हें मैं कुश्ती बीत रही परेशान आखिरी जुमा मैं लैके पड़े आवे ना इंदर एक महीने फिर उठ के يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله ايت سنة دي بوتي مفاكر ايت لوكت سنة دي اتار دي نبی علیہ السلام دے دور وچ ایک بندے نے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی سی، نبی پاک نے کڈی، خطرہ جگ دے گا جی میں نہیں چاہتی ہونا ڈریا سیابی سر ہٹ کے انہیں سونے دی انگوٹھی نو اٹھایا نہیں، सियाबा कह लगे चलो उठा के ले जा अपनी बीवी नू दे दे, बीवी तो हला रहे ना सोना, वो पता की आंदा है आंदा जे सच्ची है तो नबी पाक ने नफरत कर छड़ी है, मेरे हत्थों के अंदर हिम्मत कोई नहीं, मैं दोबारा चुक के वो चीज ले जाके अपनी बीवी नू दे दिया। फिर किसे सियाबी ने भी उस अंगूठी नू चाया नहीं, हत्ता के जमीन खा गई, किसे बंदे ने सोने नू हाथ भी नहीं लाया। प्यारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वो सोना पहनया ना करो कि आमा तो सोने दे कंगन रब पहनाएगा, फरमाया अल्लाह जन्नत दाखिल करेगा नेक बंदियां नू, फिर अल्लाह जन्नत देगा उनके अंदर नहरा होन गया, युहल्लून फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, फरमाया सोने दे कंगन होंगे वलूलान और मोतियां दे कंगन होंगे, वलिबासुहुम फीहा हरीर, फरमाया रेशमी लिबास होंगे। अल्लाह फिर जन्नत के अंदर एक लिबास होएगा, वीवी सूट गर्मिया दे ते वीवी सूट सर्दिया दे कोई नहीं,
खजाना आपे ओंदी इस्त्री हो जाएंगे, गले दे अंदर अंदर इस्त्री हो जाएंगे और आपे ओंदी रोजाना चमक वधदी रहेगी। सारी उम्र इक्को ही सूट है ते ओंदी चमक नहीं मुकनी, अगे नालों वध चमक है। अठवें दिन एक बाजार लगेगा, जुमा बाजार, इत्थे तां इतवार बाजार लगदा ना, जन्नत जुमा बाजार लगेगा। बंदा जाके जुमा बाजार दोनों शैयां खरीदेगा, बेहतरीन सूट पा के जाएगा। जदों देखेगा शुमाल वाली साइड नूं एक हनेरी चलेगी, बंदा डर जाएगा, हनेरी आ रही है, ये तो मेरे कपड़े खराब करेगी, मेरा मेकअप खराब कर देगी, ए मेरा हुसन खराब कर देगी। ओ डरे आया पत्तों दिया हनेरिया तू, जदों चल दी आई नसा दे विच वी पाया पाया रेत, ते दाड़ी दे विच वी, सिर दे विच वी, बोझियां दे विच वी, बड़ा बुरे हालात आ। डरे आया पाकिस्तान दी हनेरिया दा, लेकिन उन्हों नहीं सी पता अल्लाह दे बंदे आ ये ते जलती हनेरी है, पता कैसी चलेगी। फरमाया ज़ाफरान ते कस्तूरी दा हनेरा आएगा, जिन्ना जिन्ना ते पै जाएगा, कपड़े भी चमकदार हो जाणगे ते चेहरे दी चमक भी वध जाएगी। जो बंदा जन्नत, जब बंदा अपने घर जाएगा जुमा बाजार च होके, ते औरतां भी उन्हां दे अगे नाल भी ज्यादा हुसन वधे होणगे। बंदा आखेगा ओ असीं ते बाजार च गए आए, हनेरी आई आई, उहदी वजह तू साडे मेकअप तेज हो गया, ते तुहाडे हुसन अगे नालों क्यों वध गए। वह आदियां जदों हनेरियां चलदियां वह बाजार च भी आउंदियां ते घरां दे विच भी चक्कर लगा जांदियां। उहां दा फरहान ते कस्तूरी दी हनेरी साडे कोल भी आई है ते सानू भी चमका के चली गई है। बल्ले बल्ले बल्ले। मेरे भाइयो, सोने दे कंगन लेना चाहते हो, अंगूठियां नू छोड़ दो, जन्नत दियां हूरां नाल शादी कराना चाहते हो, इत्थे गुनाह छोड़ दो, इत्थे सारे काम छोड़ दो, वो शराब दुनिया दे अंदर छड़ दो, अगले जहान नहरां मिल जाणगियां शराब दियां, पर वो शराब ही रंगी नहीं होनी कि पी लो ते फिर उन्हें पता ही कोई नहीं मैं इज्जत किंदी करनी है किंदी नहीं करनी। बकवास शुरू हो जांदा, पर वो शराब पी के अगे नालों ज्यादा हुसन भी वधेगा ते अकल भी तेज हो जाएगी। हाय हाय, प्यारे भाइयों बड़ा गौर करे आए, टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन एक गल हो सुनाना चाहना, सुना दिया कि ना। अल्लाह अल्लाह जन्नत के अंदर एक एक बंदे नू चार चार नहरां ता करेगा, चार चार नहरां। मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तकून, मुत्तकी लोगों वास्ते अल्लाह ने जिहड़ा वादा किया सी, अल्लाह फरमांदे कि मैं जरा जन्नत दा तारो करवा देवा। फरमाया फीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगैर तामुहु व अनहारुम मिन खमरि लज्जतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ्फा व लहुम फीहा मिन कुल ثمرات ومغفرات من ربهم। अल्लाह फरमाता मुटकियो लोगो, मैं तुहानू चार चार नहरां देंगा, पानी दी नहर, सारी उम्र उहदे च बदबू नहीं आएगी, सारी उम्र उहदे च बदबू नहीं आएगी। फिर मैं तुहानू दुध दी नहर देंगा, अंदाजा करो अज किलो दुध खालस नहीं लभदा। एक औरत ने किलो दुध लिया, पूंगा मच्छी का निकलिया, वह आती है कि मच्छी का पूंगा निकलिया है बच्चा, वह आता है किलो के बच्चा ही निकलना है और मच्छा निकलना है। एक नहीं आता भाई मेरे चो गुना हो गया, मैं खालस नहीं दिता, चलो इंडा वास्ते मैं खालस नहीं आता, पानी भी पाँगा नहरा तो ही मच्छियां आंदियां पईयां ना यार। निकम्मे मुसलमान, अंदाजा करो
मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, लेकिन जन्नत के अंदर किलो नहीं, दो किलो नहीं, नारा होणगियां दोतियां, नार होएगी। जाओ सारी दुनिया तो फिर लो, नहर तो कभी कोई चला सके ही नहीं। सोने के महल ते जन्नत च सोने दिया नहर, मिट्टी की नहर नहीं, जेड़ा वज पानी है वो बूदार नहीं। फिर दुद्ध है, सारी उम्र का जायका चेंज नहीं होएगा। अज दुध खराब हो जाता है, जन्नती नहर खराब नहीं होएगी। वानहारुम मिन असलिन मुसफा, आए छांगे मांगे जावी ना, मोटा मोटा लिखे होंदा खोल शायद, जितना खालिस मोटा आवे उतना खालिस होंदा है, उतना ही गड़बड़ वाला होंदा है, उतना ही ज्यादा सीना ठोके होंदा है, उतनी ज्यादा शुगर पाई होंदी है, लबन मक्खी लबन शायद मिठा करता है, मुसलमान लबन मिठा करता है, एक मक्खी बनाती है, एक पांच सात यानी फुट का मक्खा बैठा है, यह भी बना देता होर मिठा हो जाता है, तो फायदा ही नहीं ना, फायदा ही नहीं। और मेरा दोस्तों एक किलो शायद लवी है प्यो ना खालिस होता है, लेकिन शायद की नहर है, शायद की नहर चल रही है, फिर ऐसा साफ शफाफ, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है, क्या बात है। जन्नत की अजीब रब ने सड़क बनाई है, सोने दिया नहर हो गया बेच शायद चलेगा, सोने की नहर होगी बेच दुध चलेगा, सोने की नहर होगी वे शराब चलेगी, सोने की नहर होगी वे पानी चलेगा, बंदा सोने की कोठी बैठा होगा, अल्लाह मैं पीना चाहना दुध, तो नहर खुद बंदे को चल के नुआ खोल के बेडरूम से आके रुक जाएगी, उतू फिर आखेगी फरिश्ते आखण गए हुण प्याला भर लवीए दे छड़िए आपे पी लोगे, बंदा तो नहीं इतू दुध की दार बढ़ के उड़े तो मेरे मुंह दे विच दाखल होवे, मैं सिर्फ इन्नी तकलीफ कर सकना पींदा पींदा। वाह जी वाह, ओहो टाइम हो गया आखिर दौर।